हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल बर्ड रोल आउट अपडेट्स के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था बर्ड अपडेट्स के बारे में, इस वीडियो में बात करने वाला हूं इंटरनेशनल बर्ड रोल आउट अपडेट्स के बारे में, जो कि 9 दिसंबर 2019 को गूगल ने रोल आउट किया था। गूगल कन्फर्म्ड दैट बर्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम वॉज रोलिंग आउट इंटरनेशनली इन 17 लैंग्वेजेस। दिस अनाउंसमेंट केम आफ्टर स्पेकुलेशन फ्रॉम द एसईओ कम्युनिटी एंड द एग्जैक्ट टाइमिंग ऑफ द रोल आउट इज अनक्लियर। यानी कि पता नहीं किस टाइम किस एग्जैक्ट दिन को किया था। एक्चुअल में 9 दिसंबर ये तो एज्यूम किया गया है, किस टाइम किया गया था ये अनक्लियर है। एक्चुअल में जो पहला अपडेट्स आया था बर्ड का अपडेट्स, वो इतने लैंग्वेज में नहीं था, वो केवल टेस्टिंग लैंग्वेज के लिए था, किया गया था इंग्लिश में किया गया था। लेकिन जो दोबारा जब गूगल को रिजल्ट आया कि हाँ इससे बेनिफिट्स हो रहा है यूजर को और इसके अच्छे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो गूगल ने क्या करा 70 लैंग्वेज में इस अपडेट को इंटरनेशनली रोल आउट कर दिया। और अब ये पूरे पूरे के पूरे लैंग्वेज में अब बर्ड अपडेट्स का पाया जाता है। यानी कि बर्ड अपडेट्स अब पूरे लैंग्वेज को अपने कंट्रोल में करता है। तो इसलिए अब क्या हो रहा है आजकल कि अगर कोई यूजर गूगल पे क्वेरी सर्च करता है तो उसको सही रिजल्ट मिल जाता है, क्योंकि गूगल ने इंसान के शब्दों को समझना स्टार्ट कर दिया है। बर्ड का अपडेट्स आप समझिए, बर्ड मतलब होता क्या है? एक्चुअल में इसका मतलब है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब होता है एक मशीन इंसान की बातों को समझने की कोशिश करती है। मशीन को पता है कि इंसान एक बातों को कितने तरीके से कहता है। जैसे मान लीजिए अगर एक इंसान है, अगर वो गांव का इंसान है तो वो अपने भाषा को थोड़ा अलग लैंग्वेज में बोलेगा। उसी के मैं सेकेंड एग्जाम्पल में अगर एक शहर का बंदा है तो उस बातों को वो थोड़ा अलग अंदाज में बोलेगा। फर्क इतना है, दोनों कहना तो एक ही चीज चाहते हैं लेकिन थोड़ा बहुत उनमें अंतर होगा। तो इसी चीज को बर्ड अपडेट्स ने समझना स्टार्ट कर दिया। अब क्या है कि अब एल्गोरिथम जो गूगल का एल्गोरिथम है वो इतना मजबूत हो चुका है कि वो समझ जाता है कि गांव का बंदा हो या शहर का बंदा हो वो कहना क्या चाहता है। और इस चीज को ही बर्ड ने रिजोल्व किया और अब गूगल पे क्वेरी जो है काफी ज्यादा इजी हो गई। और इंटरनेशनल बर्ड अपडेट्स का एल्गोरिथम क्या है, पूरे 17 लैंग्वेजेस में हो गया। यानी कि जो बाहर के जो लैंग्वेज थे उन सभी लैंग्वेज पे हो गया। पहला वाला अपडेट्स तो 1 लैंग्वेज के लिए था, ये वाला अपडेट 17 लैंग्वेज के लिए है, क्योंकि गूगल को इसके अच्छे अच्छे रिजल्ट आने लगे। आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनेशनल बर्ड रोल आउट अपडेट्स क्या था, ये कितने लैंग्वेज में हुआ और इसका रिजल्ट क्या है और ये क्यों किया गया था। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एल्गोरिथम के साथ।